हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बीजेप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस एंड टॉपिक इज मिनरल रिसोर्सेज इन सॉइल। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े हैं किसके बारे में, वाटर, विच इज ए वंडर लिक्विड। तो वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। उसी तरह से जो सॉइल के मिनरल्स हैं या सॉइल है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज इन सॉइल में कि सॉइल का मिनरल कहां से फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अ पेरेंटल मटेरियल इज रॉक, मिनरल बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल व्हेन द रॉक वेदर्ड। वेदर्ड का मतलब स्मॉल पीसेस में जो ब्रेक होते हैं कोई बनाते हैं क्या, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। मींस सॉइल फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब वो मिनरल रिचेज इन सॉइल में है पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, यह डिपेंड करता है, कैल्शियम, यह डिपेंड करता है किस पर कि वह उसका पेरेंटल रॉक क्या है, मींस वह किससे उसका फॉर्मेशन हुआ है। Besides mineral, the soil consists of a humus, living organic, water and air. The organic substances formed after the decomposition of the dead and decaying plants and animals is called the humus. और जब वो डीके करता है तो सॉइल में क्या ह्यूमस बनते हैं। ह्यूमस बनने का भी एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम क्या, ह्यूमिफिकेशन। ओके, अब देखते हैं मिनरल रिचेज इन सॉइल में द फैक्टर प्रोसेस दैट मेक्स द सॉइल आर द सन हीट करता है। सन की वजह से रॉक्स क्या होते हैं, हीट होते हैं। एंड ड्यूरिंग द डे सो दे एक्सपेंड होते हैं, नाइट टाइम में श्रिंक करते हैं। ठीक है, दिस रॉक्स कूल डाउन द कंट्रैक्ट सिंस द पार्ट्स ऑफ द रॉक्स डू नॉट एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट एट द सेम रेट, एज दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस। सिंपली अगर कहें तो सॉइल का फॉर्मेशन किससे होता है, तो रॉक के ब्रेक्स होने से, सन की लाइट से ब्रेक होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेक्स होता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे वही सॉइल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वही रॉक जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉइल की फॉर्म। इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इज फॉर्म इन द रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स नियर द अर्थ सरफेस आर ब्रोकन डाउन बाई ए नंबर ऑफ प्रोसेस कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। मींस सॉइल इज फॉर्म बाई द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग कितने तरह का है, वैसे तो इसमें तीन दो तरह का दिया है, लेकिन एक और टाइप का होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो दो तरह का, एक है मैकेनिकल वेदरिंग और एक है केमिकल वेदरिंग। द मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फिजिकली ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, कोल्डनेस की वजह से, ठीक है, रॉक्स का ब्रेक होना है। केमिकल वेदरिंग का मतलब होता है केमिकल प्रोसेस टेक्स जैसे ऑक्सीडेशन है, रिएक्शन प्रोसेस टेक्स इन साइड द रॉक्स, उसमें होते रहते हैं हमेशा, उससे रॉक का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो एक को कहते हैं मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग, एक को कहेंगे केमिकल वेदरिंग, एक और है क्या, बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसमें जैसे प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो रॉक्स के आसपास ग्रो करते हैं, उनके रूट उसमें क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, और उनके रूट पेनिट्रेट करने की वजह से रॉक्स क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल की वजह से अगर होता है या रॉक के ऊपर जो है ये लाइगेंस ग्रो कर जाते हैं, मॉसेस ग्रो करते हैं, उसकी वजह से सीक्रेट सम टाइप ऑफ केमिकल्स, उस केमिकल की वजह से भी रॉक का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है। तो उसे कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। मेन एम यह है कि बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक सॉइल इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर भी कुछ अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टुगेदर द रॉक्स टू द फॉर्म द सॉइल फॉर्मेशन क्लाइमेट है, वो एक्सप्रेस द बोथ टेम्परेचर रेनफॉल, ये सब भी अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। टेम्परेचर है, ठीक है, या कि रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, या दीज आर द फैक्टर। रेनफॉल है, जैसे रेनफॉल भी अफेक्ट करता है, रेनफॉल कंटिन्यूस रेनफॉल होती है, रॉक क्या हो जाती है, वेदर्ड हो जाती है, वाटर डायरेक्टली अफेक्ट कर मूवमेंट ऑफ द सॉल्युबल सॉइल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द टॉप सॉइल टू द डीप अंडर द ग्राउंड। और एसिड रेन वाटर में आल्सो कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ द मिनरल इन द सॉइल। ये दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉइल। मिनरल्स होते हैं व्हिच आर द प्रेजेंट इनसाइड द रॉक्स, रॉक के अंदर प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, अब इस मिनरल्स में क्या है, आर द नेचुरली अकरिंग नॉन लिविंग सॉलिड विथ ए डिफिनिट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इस कॉल्ड मिनरल। इनकी प्रॉपर्टी आप लोगों में देखेंगे, लस्टर्स होते हैं, चमकीले होते हैं, मेटलिक होते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो मिनरल रिचेज इन द सॉइल। तो कई लस्टर में जो जिसपे साइनिंग होती है, इसमें डी द वे इन विच द सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट, मेटलिक मेटलिक में जैसे मेटल हो गया, आयरन जैसे हो गया, अदर मेटल्स हो गए। नॉन मेटलिक का मतलब जैसे विंटर्स जैसे ग्लासिक फॉर्म में होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे पर अलग अलग डल भी होते हैं, तो वह आते हैं किसमें, नॉन मेटल, जैसे कार्बन हो गए, ठीक है, कार्बन के पार्ट ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या आते हैं, ग्रेफाइट हो गए नॉन मेटल्स में। ठीक है,
अब आगे इसके बाद जो हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज में या मिनरल्स के पास से डिफरेंट टाइप्स के बायो जियो केमिकल साइकिल विच जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओकेशनल थैंक्स।